हिमांशु महात्मा फ्रॉम जी डब्ल्यू बी सी विज्ञान। आज हम देखेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एक डिजिटल टेक्निक है जिसमें एनालॉग सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है। इस तरह की टेक्निक में दो सिंबल्स ले रहे हैं हम, जैसा कि हम देखते हैं कि एक वन है और एक ज़ीरो है, इसलिए इसको बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग से डिनोट करते हैं। इसमें एक बाइनरी डिजिट जो है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैरियर जो कि ए कॉस 2π fc t से डिनोट किया गया, जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी fc है और एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से डिनोट किया है। ये जो कैरियर सिग्नल है ये वन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसका मतलब जब हमें वन ट्रांसमिट करना होगा तब हम ये साइन वेव इस फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे, और जब ज़ीरो ट्रांसमिट करना होगा तब इसका एब्सेंस ट्रांसमिट करेंगे, यानी खाली स्पेस इसमें ट्रांसमिट की जाएगी। इस टेक्निक की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये गेन में जो चेंज होता है उसके प्रति संवेदनशील है, यानी अगर ट्रांसमिटिंग टाइम में अगर गेन चेंज होता है तब इसके आउटपुट पे इफ़ेक्ट आएगा और ये टेक्निक जो है वो सही से काम नहीं करेगी। दूसरा, ये इनएफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बाकी सारे मेथड से काफ़ी कम मानी जाती है, क्योंकि इसमें बीच में खाली जगह होती है, उस टाइम पे कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता, तो इसको एफिशिएंसी के टर्म्स में देखें तो ये इनएफिशिएंट मानी जाती है। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है 1200 बिट्स पर सेकंड की लाइंस के ऊपर, जो कि वॉइस ग्रेड लाइंस होती है, यानी जिसपे वॉइस ट्रांसमिट हम करते हैं, और इसको डिजिटल डाटा को ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ट्रांसमिट करने में इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में मेनली एलईडीज या लेज़र्स यूज आती हैं जो कि इनको ट्रांसमिट करती है, तो उसमें इस लाइट को ऑन ऑफ करना काफ़ी इजी रहता है, तो इसलिए इस टेक्निक को हम ओएफसी में काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी वेवफॉर्म। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें एक सेकंड का टाइम पीरियड लिया गया, जिसको पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट एक बिट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बिट का जो इंटरवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी इतना पार्ट हमेशा एक बिट के लिए रिजर्व रहेगा, तो इसको वन या ज़ीरो दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। अगर वन ट्रांसमिट करना है तो हम कैरियर वेव को ट्रांसमिट करेंगे, अगर ज़ीरो ट्रांसमिट करना है तो हम इसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो जहाँ पर सिग्नल वन के फॉर्म में आ रहा है वहाँ पर कैरियर वेव आएगी, और जहाँ पर ज़ीरो आ रहा है वहाँ पर कैरियर वेव ट्रांसमिट नहीं होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो बिट पोजिशन है उसमें कैरियर वेव ट्रांसमिट की गई है, जबकि सेकेंड और फिफ्थ जो पोजिशन है वहाँ पर जहाँ पर ज़ीरो ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पर ब्लैंक या एब्सेंस ऑफ कैरियर वेव ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो जहाँ पर वन जाएगा वहीं पे कैरियर वेव ट्रांसमिट होगी। इसके बाद देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि जो ASK है उसको हम जनरेट कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जनरेट करने के लिए एक मल्टीप्लाई यूज़ किया गया, जिसको दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट पे हम बाइनरी वेव फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वाला जो इनपुट है उस पर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी fc है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ पे वन डिजिट आ रहा है वहाँ पे ये कैरियर वेव वन से मल्टीप्लाई होगी, जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वहाँ पे ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो
तो ओवरऑल जो आउटपुट है वहाँ पे वन और जीरो की फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ए एस के को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था ए एस के बारे में। थैंक यू।